अस्सलाम वालेकुम। टॉप पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के एपिसोड 20 की नई प्रोमो नशर की जा चुकी हैं कि जिसमें आप देखने वाले हैं मेविश का बदतरीन अंजाम। मेविश अपने बदतरीन अंजाम को किस तरह से पहुंचेगी, जैसा कि ड्रामा सीरियल के एपिसोड 20 के प्रोमो में आपने देखा। दानिश अपने दोस्त सलमान से कह रहा होता है, जब वो मुझे छोड़ के जा रही थी ना तब मैं मर गया था, लेकिन रूमी छोटा बच्चा था, मैं उसे समझा नहीं सका, और अब जब वो वापस आएगी मुझसे माफ़ी मांगने के लिए तब भी मैं उसके सामने कुछ नहीं कह सकूंगा, बल्कि मैं मर जाऊंगा उसे देखकर। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे हानिया की बहन उसे समझाती हैं और कहती हैं कि अगर दानिश आपके पास आया और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं तो आपने फौरन से कह देना है, मैं भी आपसे शादी के लिए रजामंद हूं। और ये बात सुनकर हानिया किलकिला के हंस देती हैं। और फिर दोस्तों आप देखेंगे कि दानिश हानिया के घर आ चुका है और वो उससे बात करता है और कहता है कि हानिया मैं आपसे यहाँ पर एक बात करने आया था। हानिया जब पूछती हैं क्या बात, तो दानिश उससे कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर हानिया दंग सी रह जाती हैं क्योंकि उसकी बहन ने जो कुछ कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फिर दोस्तों ऐसा ही होता है क्योंकि हानिया अपने बहन के कहे पर अमल करती हैं और उसे हाँ कह देती हैं। और वो इस तरह से, क्योंकि जब दानिश जा रहा होता है तो वो मुस्कुरा रहा होता है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही हैं कि वो ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ करने वाला है। दानिश वापस घर आ चुका है तो यहाँ पर वो अपने मुलाजिम से पूछता है रूमी कहाँ पर है, तो उसका मुलाजिम उसे बताता है कि रूमी बाबा तो हॉस्पिटल गया है, उसकी मम्मा बीमार है, वहाँ एडमिट है। ये बात सुनकर दानिश के तो होश उड़ जाते हैं। महविश हॉस्पिटल में है, उसे क्या हुआ है? और इन्हीं सोचों में गुम वो बहुत ही तेज़ी से ड्राइविंग करता हुआ हॉस्पिटल चला जाता है। तो यहाँ पर रूमी बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है ख़ुद को। वो बार बार सलमान अंकल से पूछता है अंकल मेरी मामा बच तो जाएंगी ना, और वो लोग उन्हें तसल्ली देते हैं क्योंकि उनके पास तसल्ली देने के सिवा कुछ भी नहीं है। आखिर महविश के साथ क्या हुआ है? क्या उसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, या फिर किसी गाड़ी के साथ उसका टक्कर हो गया है, या फिर महविश ने सुसाइड किया है? दोस्तों ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि जब दानिश पहुंचता है हॉस्पिटल तो वहां पर पुलिस भी खड़ी होती है और रूमी भागता हुआ अपने बाबा के पास आता है, उनके गले लगता है और वो बहुत ही डरा हुआ होता है। दानिश रूमी को गले लगा लेता है और बहुत ही डरी हुई नज़रों से सलमान को देखता है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता महविश से के मुतल्लिक, के जिससे लगे कि महविश अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत डर रहा है कि अगर महविश इस दुनिया से चली गई यानी कि मर गई तब रूमी का क्या होगा। वो अपनी माँ की जुदाई एक बार तो सह चुका है लेकिन दूसरी बार शायद ना सह पाए। दोस्तों ड्रामा सीरियल का एंड तो हमें यही लगता है कि महविश का अंजाम यहीं तक है, वो इस ड्रामा सीरियल के सेकंड लास्ट एपिसोड में मर जाएगी और फिर हानिया और दानिश की शादी हो जाएगी और रूमी को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल जाएगा। आप क्या कहते हैं, क्या महविश को अब मर जाना चाहिए और हानिया और दानिश की शादी हो जानी चाहिए? कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा। लाइक करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।